Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was the function of leaves. In that, we have discussed the process of photosynthesis, right? The leaves manufacture the food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. This thing we have already discussed, right? Now, we are going to study further. The next thing that we are going to study is respiration is a process. The first point, respiration is the process by which plants absorb free molecules of oxygen and use them to create water, energy and carbon dioxide, which help the plants to grow. So respiration wo process hoti hai jis process ke तहत प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के फ्री मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूज़ करते हैं वाटर, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, जिससे कि प्लांट जो है वो ग्रो कर पाता है. राइट, नाउ प्लांट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स. स्टोमाटा कैन बी ओपनड एंड क्लोज विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स. वी नो दैट स्टूडेंट्स दैट द प्लांट रेस्पायर by their leaves, right? Leaves में छोटे छोटे से छेद होते हैं that we cannot see by with our naked eyes, और उन छोटे छोटे छेद को बोला जाता है stomata. So plants can respire with the help of these stomatas only, and the process of respiration takes place in the plants with this stomata. The exchange of gases takes place through the stomata, right? Now the process of loss of water from the tiny pores called stomata present on the lower surface of a leaf is called transpiration. जो water का loss होता है छोटे छोटे pores में से जो कि stomata में present रहते हैं from the lower surface of the leaf is called as the transpiration. इस process को क्या बोला जाता है? Transpiration. Transpiration helps to release extra water from the body of the plant. Plant body में जो भी extra water रहता है उसको release करने के लिए उसको release किया जाता है, और इस process को क्या बोला जाता है? Transpiration. Okay, so the extra water from the plant plants get released from the plant leaves with the and this process is called as the transpiration. Now the next topic that we are going to study is modification of leaves. Leaves किस तरीके से अपने आप को modify करती हैं, changes करती हैं, so that they can help in the growth of the plant, right? First one is pea tendrils. Pea tendrils एक तरह का plant होता है. Leaves are modified to tendrils. जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और टेंड्रिल्स बना लेती हैं. राइट, इन सम प्लांट्स लाइक पी और ग्लोरियोसा द अपर लीफ फ्लैट्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स विच कॉइल अराउंड द नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स टू गिव सपोर्ट टू देम. राइट, यस्टरडे ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि कुछ प्लांट्स में जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लाइटली कर्ल हो जाती हैं ताकि वो स्टिक से अपने आप किसी पास में अगर कोई स्टिक रखी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके अराउंड वो कर्ल हो जाती हैं टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट. राइट, सो वैसे ही कुछ प्लांट की लीव्स भी अपने आप को कर्ल कर लेती हैं टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट. नाउ लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइंस. लीव्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और स्पाइंस बना लेती है. स्पाइंस मतलब कांटे. तो कुछ प्लांट की लीव्स अपने आप को मॉडिफाई करके स्पाइंस बना लेती हैं, कांटे बना लेती हैं. फॉर एग्जांपल कैक्टस, वी ऑल नो दैट डेजर्ट में कैक्टस उगते हैं. सो द कैक्टस ग्रो वाइडली इन डेजर्ट्स. इन कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस सो एज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ कैक्टस विथ स्पाइंस so as to reduce the loss of. Students, this is misprint here, water should come, right? So जो leaves होती हैं वो अपने आप को spines के रूप में modify कर लेती हैं, कांटों के रूप में modify कर लेती हैं
ताकि वहाँ से वाटर का लॉस रुक सके, राइट। वी नो दैट कि डेजर्ट में वैसे ही वाटर की स्कार्सिटी होती है, वाटर की कमी होती है, तो वाटर के लॉस को रोकने के लिए जो लीव्स हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और स्पाइंस बना लेती हैं। सो वाटर फ्रॉम द लीव्स, द स्पाइंस ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बींग ईटन अवे बाय द ग्रेजिंग एनिमल। और ये जो स्पाइंस होती हैं वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि कोई एनिमल प्लांट को खा ना जाए, राइट। सो दीज स्पाइंस प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बींग ईटन बाय द एनिमल्स और एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, राइट। सो इन दिस वे द लीव्स कैन मॉडिफाई इट्सेल्फ एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। Now the next topic that we are going to see is flowers, right? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया roots, stems, leaves, right? Now the next part of the plant that we are going to study is flower. Flower is the reproductive part of the plant. Flower जो होता है वो reproductive part होता है plant का, मतलब reproduction में help करता है, right? An enormous variety of flowers of different sizes, colors, texture, smell and shapes can be found in the nature. And we know that nature में बहुत सारे flowers होते हैं, सबका size अलग अलग होता है, color अलग अलग होता है, texture अलग होता है, smell उनकी fragrance अलग होती है, shape अलग होता है। सो सारे flowers की अपनी अपनी characteristics होती हैं, अपनी अपनी विशेषताएँ होती हैं। And there are different type of flowers that are present in our nature. This attractive part of the plant has several parts and each part has some special functions. और plant का ये जो attractive part होता है, flowers are very attractive because they are very beautiful, right? So plants का ये जो attractive part होता है, इसके बहुत सारे parts होते हैं, मतलब फ्लावर के भी अपने आप में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन होता है, राइट। तो फ्लावर में जितने भी स्पेशल पार्ट होते हैं उन सबका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। एंड व्हाट आर दोज फंक्शंस, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी नाउ। ओके, सो हियर अ पिक्चर इज गिवन टू यू इन विच द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर बीइंग एक्सप्लेन्ड, राइट। अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, एक फ्लावर जो होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एंड वॉट आर दोज पार्ट्स, इट इज़ गिवन हियर। स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, ये जो है ये रेड कलर की ये पत्तियाँ हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स, राइट। तो फ्लावर की जो पत्तियाँ होती है उनको हम बोलते हैं पेटल्स। दिस पार्ट, ये जो ग्रीन ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा। देन स्टिग्मा के नीचे होता है स्टाइल, एंड दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज ओवरी। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिलाकर एक कॉमन नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द कार्पल, राइट। और ओवरी के अंदर ये छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। सो दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथर और फिलामेंट, ये जो पतली सी डंडी जैसा दिख रहा है हमको, दिस इज़ द फिलामेंट। और इसके ऊपर जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज़ द एंथर। देन ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, दिस इज़ द सेपल, एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज द रिसेप्टिकल। सो दीज आर सम ऑफ द प्लांट्स ऑफ द फ्लावर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑल दोज parts of the flowers that we are going to see now. Sepals are the outermost green leaf-like roll of a flower. They protect the flower in the bud stage. जो sepals होते हैं वो outermost green part होता है plant का, flower का, and it is a leaf-like wall of the flower. ये leaf जैसा दिखता है और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज में। हमको पता है जब कली होती है तो जो ग्रीन पार्ट फ्लावर को कवर करके रखता है उसी को हम बोलते हैं सेपल्स, राइट। सो बेसिकली जो सेपल है वो क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज में, जब वो कली के रूप में होता है उस स्टेज में, राइट। बड मतलब कली।
सो पेटल्स आर कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. पेटल फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, जो फूल की पत्तियाँ होती है उनको हम बोलते हैं पेटल्स. दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. सम पेटल्स आर स्वीट स्मेलिंग. जो पेटल्स होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, राइट. इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी अबाउट द पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन द हायर क्लासेस. जस्ट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, दैट द पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. ओके, सम पेटल्स आर स्वीट स्मेलिंग. कुछ पेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्वीट स्मेलिंग होते हैं. नाउ द स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट इज़ मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. जो स्टेमन होता है, स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के मेल पार्ट को बोला जाता है स्टेमन. और ये जो स्टेमन होता है ये फिलामेंट और एंथर का बना होता है. ओके, हमने देखा अभी फिगर में भी कि यहाँ पर एंथर और फिलामेंट इन दोनों को मिलाकर एक कॉमन नाम दिया गया, दैट इज़ द स्टेमन. सो दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज़ एंथर एंड फिलामेंट. और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं. फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है और दूसरा फीमेल पार्ट होता है, जो हमने अभी देखा, राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, एंथर इज़ द पार्ट ऑफ द स्टेमन दैट प्रोड्यूस एंड कंटेन पोलर ग्रेन्स. एंथर वो पार्ट होता है स्टेमन का जो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है. एंड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए, राइट. सो एंथर जो है वो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है. पोलन ग्रेन्स आर पाउडर लाइक सब्सटेंस विच रिप्रेजेंट मेल सेल्स. पोलन ग्रेन्स एक पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है जो मेल सेल्स को रिप्रेजेंट करता है. फ्लावर में जो मेल वाला पार्ट होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, राइट. नाउ फिलामेंट्स इज द स्टॉक ऑन विच द एंथर इज प्रेजेंट, राइट. फिलामेंट एक स्टॉक रहता है. फिलामेंट इज द स्टॉक ऑन विच द एंथर इज प्रेजेंट. फिलामेंट एक ऐसा स्टॉक रहता है जिस पर जो एंथर है वो प्रेजेंट रहते हैं, राइट. पिस्टल और कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एज वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, दीज आर द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, सॉरी फ्लावर. सो फ्लावर के दो पार्ट्स, मेल एंड फीमेल. मेल में आ गया स्टेमन, स्टेमन और एंथर, और फीमेल में आ गया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट. नाउ अब हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को भी डिटेल में देखते हैं कि स्टिग्मा का मतलब क्या, स्टाइल का मतलब क्या और ओवरी का मतलब क्या. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ द स्टिग्मा. स्टिग्मा इज़ द स्टिकी बल्ब दैट यू सी इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के सेंटर में एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा. आई हैव शोन यू इन द पिक्चर ऑल्सो एंड यू कैन सी इट इन योर नोटबुक ऑल्सो, दैट द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा. इट इज़ द पार्ट ऑफ द पिस्टल विच रिसीव द पोलन ग्रेन्स. ये वो पार्ट होता है जो कि पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, मतलब पोलन ग्रेन्स आकर इसी पर स्ट्राइक होते हैं, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज स्टाइल. स्टाइल इज़ अ लॉन्ग स्टॉक विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी. एक लंबा सा स्टॉक होता है, एक डंडी जैसा होता है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है. सो स्टाइल इज़ बेसिकली इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी. ओवरी, इट इज़ द बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल. पिस्टल का बेसल स्वॉलन पार्ट, मतलब पिस्टल के बेस में एक स्वॉलन पार्ट, मतलब थोड़ा सा थिक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ओवरी. इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हैज़ ओव्यूल्स इनसाइड इट.
और ये वो पार्ट होता है प्लांट का जिसके अंदर ओव्यूल्स रहते हैं। ईच ओव्यूल कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, और हर एक ओव्यूल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। द ओवरी टर्न्स इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल्स फ्रॉम द सीड्स। जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल है वो सीड्स बनाते हैं, राइट? सो इस तरीके से एक फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, दैट ऑल वी हैव सीन हियर, राइट? एंड हाउ डज अ फ्लावर हेल्प इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब अगर फ्लावर्स नहीं होते तो शायद फ्लावर्स प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज पॉलिनेशन की प्रोसेस फ्लावर्स के कारण ही पॉसिबल है, राइट? फ्लावर्स ही जो हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए। सो दे आर द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फ्लावर, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। फर्स्ट वन इज फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट जो फ्लावर्स हैं उनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है प्लांट्स में। सो जो फ्लावर्स हैं दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। सम फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स एंड मेडिसिंस। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो परफ्यूम्स और मेडिसिंस बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज वी नो दैट उनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है, और कुछ फ्लावर्स के मेडिसिनल यूज़ बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम उनको मेडिसिंस बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड इन टेंपल्स एंड फॉर डेकोरेशन। जो फ्लावर्स होते हैं वो टेंपल्स में भी यूज़ किए जाते हैं और डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होते हैं इन आवर होम्स, राइट? नाउ दे आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी इंसेक्ट्स एंड दे आर द सोर्स ऑफ फूड। बहुत सारे इंसेक्ट्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है? फ्लावर से ही मिलता है। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड मेक हनी। जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो नेक्टर, उनको जो नेक्टर मिलता है वो फ्लावर से ही मिलता है, और जिसके बाद वो हनी बनाती हैं, मतलब शहद बनाती हैं, राइट? नाउ पॉलिनेशन की प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है शॉर्ट में, that what do we mean by pollination, this we are going to discuss here, okay? So the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower or another flower of the same kind by agent like wind, water or insect is called pollination. Students, for the process of reproduction it is compulsory that the male gametes और female gametes जो हैं उनका fertilization हो, right? So जो male gametes और female gametes का fertilization के लिए ये necessary है कि male gametes से जो anther हैं वो female gametes के stigma तक पहुँचें, right? तो male gametes से anther को female gametes के stigma तक पहुँचाने का काम कौन करता है? आइदर दे गेट ट्रांसफर थ्रू विंड, वाटर या इंसेक्ट। तो जब विंड, वाटर या इंसेक्ट के कारण किसी एक फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, राइट? सो व्हेन द पॉलन ग्रेन्स When the pollen grains are transferred from the anther of to the stigma of the same flower or another flower of the same kind by wind, water or insect is called as pollination. Examples of the agents of pollination are, अब कौन कौन से agents होते हैं जो pollination के लिए ज़रूरी होते हैं, right? मतलब ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जिनके बिना पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी? सो दीज एजेंट्स आर बीज, मतलब मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज, तितलियाँ, हमिंग बर्ड्स, मोथ्स, सम फ्लाइज, सम वैस्प्स एंड नेक्टर फीडिंग बैट्स।
सो ऑल दीज आर द काइंड ऑफ इंसेक्ट्स जो कि पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र का काम करते हैं. सो पॉलिनेशन इज़ फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चालू हो जाती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द पॉलन ग्रेन्स फ्यूज विद द ओव्यूल्स. और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं. सो इस तरीके से पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है. राइट, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रूट्स. फ्रूट्स आर मोस्ट डिलीशियस पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्रूट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिलीशियस पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं. ऑब्वियसली हम जानते हैं फ्रूट का मतलब क्या होता है. वी ऑल आर फैमिलियर विद द वर्ड फ्रूट. अ फ्रूट इज अ NPE ovary which contains seeds inside it. Fruit एक ovary होती है जिसके अंदर seeds होते हैं. Right, हमको पता है काफ़ी सारे fruits ऐसे होते हैं जिसके अंदर seed होते हैं. A fruit is generally made up of a fruit wall and seeds. Basically जो fruit होता है वो fruit wall से बना होता है और seed से बना होता है. The external wall of the ovary develop into the फ्रूट वॉल नोन एज पेरिकार्प. और जो उसकी एक्सटर्नल वॉल होती है वो डेवलप होकर क्या बना लेती है, फ्रूट वॉल बना लेती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द फ्रूट्स. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फ्रूट्स, दैट फर्स्ट वन इज फ्रूट्स स्टोर फूड इन देम. जो फ्रूट्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर. They protect seed and keep them safe. जो fruits होते हैं वो seeds को protect करते हैं और अपने अंदर safe रखते हैं. Fruits help in dispersal of the seeds. Fruits जो होते हैं वो seeds के dispersal में भी helpful होते हैं. Now, the next part of the plant that we are going to discuss is seeds. Okay? Now, seeds we are going to discuss here. Seed has a tough outer covering called the seed coat. Seed की एक outer covering होती है जो कि tough होती है, मतलब it cannot be break easily. So एक tough covering, outer covering होती है seed की, जिसको हम क्या बोलते हैं, seed coat. This help the seed from drying out and protect it. और ये help करती है seed को dry out होने में, मतलब उसके न्यूट्रिशन जो निकल नहीं जाए उसको ड्राई होने से बचाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है. फूड इज़ स्टोर्ड इन द सीड लीव्स और कॉटिलेडॉन्स. फूड जो होता है वो सीड लीव्स के अंदर स्टोर होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडॉन्स भी बोलते हैं. इट प्रोवाइड फूड फॉर बेबी प्लांट अंटिल इट कैन मेक इट्स ओन फूड. जब तक प्लांट अपना खुद का खाना नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तब तक उनको फूड देने का काम कौन करता है, सीड्स करते हैं. राइट, द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो. और सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो. एन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ प्लम्यूल एंड अ रेडिकल. जो एम्ब्रियो होता है वो दो पार्ट से बना होता है, प्लम्यूल और रेडिकल. दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो. द प्लम्यूल ग्रोज इनटू द शूट एंड द रेडिकल ग्रोज इनटू द रूट. द जो प्लम्यूल होता है वो बड़ा होकर शूट सिस्टम बनाता है, और जो रेडिकल होता है वो बड़ा होकर रूट सिस्टम बनाता है. सो प्लम्यूल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शूट एंड रेडिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी द सीड हियर. इस पिक्चर में आप सीड देखकर समझ सकते हैं इजीली. व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर एंड वाटर आर अवेलेबल, देन एम्ब्रियो ग्रोज इनटू द यंग प्लांट कॉल्ड सीडलिंग्स. जब सीड को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलता है और वाटर मिलता है इनफ अमाउंट में, तो एम्ब्रियो जो है वो ग्रो होकर क्या बना लेता है, सीडलिंग्स बना लेता है. नाउ सीडलिंग ग्रो इनटू अ मैच्योर फुली ग्रोन
प्लांट, और सिडलिंग जो है वो ग्रो कर कर एक फुली ग्रो प्लांट बना लेती है, विच आफ्टर सम टाइम प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और कुछ समय बाद इसमें से फ्लावर्स और फ्रूट्स बन जाते हैं. दिस सीक्वेंस कीप्स रिपीटिंग इन एवरी जनरेशन, और ये जो सीक्वेंस है वो रिपीट होती रहती है हर एक जनरेशन में, एंड इज़ नोन एज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्लांट, और इसको हम बोलते हैं प्लांट की लाइफ हिस्ट्री. इसी तरह से प्लांट्स जो हैं वो डेड होते जाते हैं और नए प्लांट्स उगते जाते हैं, राइट. सो इसी प्रिंसिपल पे जो प्लांट है वो उनका डेवलपमेंट वर्क करता है. सो इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स वी हैव सीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस एंड हाउ डू दे हेल्प इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स. द फर्दर टॉपिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.